मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बछोड़िया गांव में शासकीय हाई स्कूल बछोड़िया में बाल सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के बालिकाओं के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के समस्त बालक बालिकाओं के माताओं ने भाग लिया, आमंत्रित किया और निवेदन किया। साथ ही आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएँ हैं दोनों गाँव की, उनका भी अधिक प्रयास रहा और उनके प्रयास से जो है आज का ये मातृ सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें हमारे माननीय तहसीलदार महोदय श्रीमती मतलब जो है पिपलोदा, तहसीलदार महोदय पिपलोदा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया पिपलोदा और पुलिस अधिकारी के रूप में उप निरीक्षक तालुक खेड़ा थाना ज्योति प्रभारी मावता और महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में सुश्री चौहान मैडम, ये सभी उपस्थित हुए। इनमें से जो है इन महिला अधिकारियों ने मातृशक्ति को और बालिकाओं को किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता अर्जित करना है, उस सफलता को अर्जित करने के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर और किस प्रकार से जो है हम किसी पद के लिए योग्य बने, उसके लिए हमें क्या तैयारियां करना चाहिए, इसके बारे में बताया। तो निश्चित तौर से बालिकाओं को और माताओं को इसके बारे में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बालिकाओं को लेकर कोई समस्या सामने आई? हमारे स्कूल में अभी तक तो बालिकाओं को लेकर एक किशोर अवस्था की बालिकाएँ होती है, इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या हमारे विद्यालय में नहीं हुई। सर, देखा गया जो कार्यक्रम चल रहा था उस समय कई बच्चे पानी लाते हुए भी दिखे आपके? नहीं, पानी नहीं, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में नलकूप चल रहा है। बच्चों क्या हुआ जो इनको पानी लाने के लिए बोला होगा तो वो नल से न भरते हुए जो स्पष्ट यहाँ पर 3000 लीटर की जो है पानी की टंकियाँ हैं और नलकूप लगा हुआ है, टंकियाँ पानी की पड़ी हुई है, हर 15 दिन में टंकियों की साफ सफाई की जाती है। तो सर ने कहा होगा, मैं तो जो है कार्यक्रम सभा कक्ष में उपस्थित था, लेकिन पानी लाने के लिए मातृशक्ति को पानी पिलाने के लिए जो बुला गया था, तो हो सकता है यहाँ पर खाली टाइम के पूर्व में हमारा नलकूप जो है खराब हो चुका था, तो उस समय हेडपम्प से पानी भरने की व्यवस्था जो मध्यान्ह भोजन वाले करते थे और कभी भी बीच में जब पानी उन टंकियों से खत्म हो जाता था तो बच्चे हेडपम्प परिसर में लगा हुआ है उससे भर के लिए आते थे, लेकिन आज मुझे पता नहीं है कौन बालक गया है, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और निश्चित तौर से मैंने हिदायत दे रखी है कि कोई भी बालक और बालिका हेडपम्प का पानी भरने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास शुद्ध रूप से शुद्ध पानी पीने के लिए। सर, जब हमने उनसे बात की तो ये बता दें हर दिन हमें पानी लाते हैं, ऐसा हर दिन पानी लाने का भी मामला सामने आया हो बच्चों द्वारा? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर नलकूप लगा हुआ है, टंकियाँ भरी भरी जाती है। क्या था महिलाओं को लेके क्या कार्यक्रम था? यार, पेरेंट्स बालिका और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको लेके एक सम्मेलन किया गया था, ताकि माता पिता को या बच्चों के माताओं को ये बताया जा सके कि स्कूल में उनका एजुकेशन कैसा हो रहा है, और दूसरे नॉर्मल गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया, पौष्टिक भोजन के बारे में बताया गया कि उनको हेल्थ को अपने प्रिकॉशन के लिए उनको क्या खाना चाहिए, हेल्थ को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने तरफ से बताया है। हमने महिला बालिका सुधार गृह ने बताया। मैडम, बालिकाओं और महिलाओं की ओर से कोई क्वेश्चन आया है जिसका समाधान आपने किया है? सर, अभी तो मेरी इतनी बात नहीं हुई, लेकिन इससे 2-3 दिन पहले जब मैं आई थी तो बालिकाओं की तरफ से छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। उनका नॉर्मली क्वेश्चन ये थे कि हमको लेना छा जाता है, पढ़ते समय चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, तो उनको हम लोगों ने जो हमारे विभाग की तरफ से जो ये बताया जाता है वो उनको बताया। ठीक है मैडम।